मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, किस तरह से आनन फानन में संतोष सिंह को अस्पताल ले जाया गया। जी बिल्कुल, देखिए भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत होती है, आप जान रही हैं, और दूसरा हमारे सहयोगी ने भी बताया और हम भी जानते हैं कि ठंड बहुत है जी। और इस वक्त में कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक पे भी कई लोगों को दिक्कत आ रही है। और संतोष सिंह चौधरी की उम्र अगर आप देखें तो 76 साल उनकी उम्र है, 1946 में उनका जन्म हुआ है, और एक इस उम्र में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें भी रहती है। और जो भारत जोड़ो यात्रा बहुत तेज चलती है, जिस तरह से उस यात्रा को आप देखेंगे, हम लोग भी उस यात्रा में शामिल हुए, कन्याकुमारी में, कर्नाटक में, दिल्ली में, तमाम जगहों पर। तो ऐसी स्थिति में देखिए, एक बात तो ध्यान था कि जो लोग उन भारत जोड़ो यात्री हैं, जो 130 के आसपास यात्री हैं, उन सबका तो टेस्ट कराया गया है कि वो लोग फिट हैं कि नहीं है चलने के लिए, क्योंकि उनका मेडिकल चेक कराया गया, उनको टेस्ट कराया गया, तब उनको शामिल किया गया भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन रास्ते में जो लोग भारत जोड़ो यात्री शामिल हो रहे हैं, अब इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उम्रदराज लोग। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। लोग हैं वो उसमें चलेंगे और उस तरह की घटना हो जाए तो उनका हार्ट अटैक हो जाए तो उससे कैसे बचा जाए, इस बात का भी अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सांसद हैं, उम्र इतनी ज़्यादा है, उनको चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, गाड़ी में चलना चाहिए। और कई बार जोश होता है पार्टी में, राजनीति में लोग ठहरते नहीं हैं, राजनीति में आमतौर पर लोग जोश में चलते हैं, और ये जोश का भी नतीजा हो सकता है ठंड की वजह से, उम्र भी उनका कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा होगा। आज जो यात्रा सुबह बताया जा रहा है कि सुबह यात्रा निकली है, जलंधर पहुंचना था, जिस इलाके के सांसद हैं, और लुधियाना से जलंधर यात्रा को गई है, और उस यात्रा के दौरान इस तरह की चीज़ होना एक बड़ा सदमा है कांग्रेस पार्टी के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी एक सबक है कि आखिरकार जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जितने बड़े जो कैरेक्टर हैं, बड़े बड़े जो लोग शामिल हो रहे हैं, बड़े शख्सियत शामिल हो रहे हैं, तो उनको कम से कम इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उम्रदराज लोग हैं, बड़े शख्सियत हैं, तो उनके साथ कोई इस तरह की घटना ना हो जाए, उस बात को ख्याल में रखते हैं, उनका मेडिकल चेक हो, मेडिकल टेस्ट हो, उसके बाद ही वो यात्रा में शामिल हो, क्योंकि अभी भी यात्रा चल नहीं रही है। अब इसके बाद पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर यात्रा जाना है, और जम्मू कश्मीर में कितनी ठंड होगी आप जानती हैं, जहां 10 दिन के आसपास यात्रा रहेगी, 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यात्रा जम्मू कश्मीर में रहने वाली है। तो वैसी स्थिति में अब थोड़ा जितनी आखिरी दौर है, ये जितनी बड़ी घटना है उसके साथ साथ ये एक अलार्म भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी यात्रा है राहुल गांधी की, और इसको दोबारा से जब शुरुआत की गई है इसमें, तो ये हर एक चीज का ध्यान रखना होगा, यानी ये एक बहुत बड़ा अलार्म है उन तमाम सीनियर लीडर्स के लिए भी, देखिए, क्योंकि उम्र के साथ साथ कई तरह की बीमारियां शरीर में होती हैं, तो हमें सतर्क रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, कि मैंने वही कहा कि अब कहीं ना कहीं एक अलार्म होगा और इसके आधार पर सचेत हो जाएगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जो बाकी भारत जोड़ो यात्री हैं, जो यंग हैं, चाहे उसमें से भी कुछ लोग 50+ भी हैं, लेकिन उनका टेस्ट कराया गया है, लेकिन क्या रास्ते में जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, उस इलाके के मंत्री हों, चाहे पार्टी के बड़े नेता हों, क्या वो मेडिकली फिट हैं लंबा चलने के लिए, क्योंकि यात्रा लगभग पहले जो राउंड होता है सुबह का, उसमें 10 से 12 किलोमीटर आप चलते हैं, तो 10 से 12 किलोमीटर चलने के लिए आप फिट हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर जोश में तो आप चलते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं बदनामी होती है, कहीं ना कहीं 10 तरह के सवाल खड़े होते हैं, तो इससे बचने के लिए कांग्रेस पार्टी को आगे ध्यान रखना होगा इस बात का, क्योंकि ये यात्रा ये फर्स्ट राउंड है, जम्मू कश्मीर खत्म होगी, इसके बाद सेकेंड राउंड की यात्रा शुरू होनी है, जो कहा जा रहा है कि 2 मई से शुरू होगी, तो वैसी स्थिति में इससे बचने के लिए, और गौर कर आप एक बात कीजिए कि हाल के दिनों में हार्ट अटैक की घटनाएं बहुत हो रही हैं, कोरोना, आफ्टर कोरोना, पोस्ट कोरोना, ये खबरें देखने को मिल रही है कि नौजवान लोग, बुजुर्ग लोग, महिलाएं, और इसमें उम्र मायने नहीं रख रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको इंटरनल प्रॉब्लम भी होता है, और दूसरा है कि कहीं ना कहीं बीमारी के बाद किसकी क्या फिजिकल स्थिति है किसी को पता नहीं है कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, तो वैसी स्थिति में एक अलार्म है, खाली भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं, तमाम जो यात्रा लोग निकालते हैं, पार्टी के लोग, राजनीतिक दल के लोग, उनको भी इस तरह की सावधानी बरतनी पड़ेगी कि अगर आप लंबी यात्रा निकालते हैं तो वही लोग उस यात्रा में शामिल हो जो फिजिकली फिट हो, जो उस यात्रा को कहीं ना कहीं पूरा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। और रवि, अभी और क्या अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं कोई, क्योंकि आपने ही बताया कि राहुल गांधी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त अस्पताल में हैं, और स्वाभाविक सी बातें देखिए कि यात्रा को तो रोकना पड़ेगा ही, तो अभी और क्या अपडेट है, कुछ और सीनियर लीडर्स पहुंचे हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि प्रदेश के जितने भी सीनियर लीडर हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं, और राहुल गांधी के साथ साथ जो वहाँ राजा बड़िंग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं पंजाब के, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं यही देख रहा हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ग्रुप में अभी इस बात की जानकारी दी कि नहीं, तो अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई जानकारी ऑफिशियली इस बात की नहीं दी गई है कि इसमें जो घटना के बारे में
हालांकि आपने बताया कि मुख्यमंत्री जो है उन्होंने इस बात को लेकर दुख जताया है, उन्होंने अपनी संवेदना उनके परिवार के साथ दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जानकारी अभी आएगी। हो सकता है राहुल गांधी इस बारे में जानकारी दें, हो सकता है राजा बड़िंग इस बारे में जानकारी दें कि क्या हुआ एक्चुअली और क्या उसके बाद क्या सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक अलार्म जो आप भी कह रही हैं और हम भी कह रहे हैं कि एक अलार्म है, और आगे यात्रा, चूंकि मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब यात्रा को जाना है और जम्मू कश्मीर में 10 दिन इस यात्रा को रहना है, तो वैसी स्थिति में इन सावधानियों को बरतते हुए चलना होगा ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। और रवि, एक्सपर्ट से भी लगातार जी न्यूज बात करता रहा है, क्योंकि कोविड को लेकर भी जो सावधानियां हैं वो बरतने के लिए एक्सपर्ट का यही कहना है कि ठंड बहुत है, इसलिए जो उम्रदराज लोग हैं वो अगर मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं तो वो थोड़ी धूप आने पर जाएं, इस तरह से सुबह सुबह ना निकले। तो ये एक सभी के लिए एक बड़ा मैसेज है, ये दुखद खबर आज कांग्रेस के लिए भी। सांसद है जालंधर से संतोख सिंह, जो अब नहीं रहे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।